नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। देश में लोकतंत्र है, चुनाव है और इसी चुनाव के बीच जिस तरह से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे और आपके पैसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिय उद्योगपति अडानी जी पर फ्रॉड का केस बन रहा है और यह सब कुछ जब हो रहा है तब भारतीय लोकतंत्र के खंभे, उनमें जो लोग विराजमान हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कैसे राज्यपाल बन रहे हैं, ये सब आज आपके साथ इस सफर की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा चुनाव की। 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनकी तैयारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर शोर से शुरू कर दी है और जैसा कि हम सब जानते हैं, कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास और गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है। 2 राज्यों में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बयान दिए वह बताता है कि लोकतंत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समझ क्या है। सबसे पहले देखिए कर्नाटक में दिया उनका बयान। गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक वासियों को समझाते हैं, डराते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं कि केरल से सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पार्टी उन्हें बचा सकती है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आपके नदी केरल, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, अगर कर्नाटक को सुरक्षित रखना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रख सकती है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक की भाजपा सरकार। बात वो केरल की ऐसे कर रहे हैं जैसे केरल भारत का राज्य नहीं, पड़ोसी देश है कोई जिससे उनका दुश्मनी का नाता है। सवाल बहुत सीधा सा और बहुत तीखा सा। गृह मंत्री जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, कर्नाटक के भी गृह मंत्री हैं और केरल के भी गृह मंत्री हैं, ऐसे में कर्नाटक के लोगों को केरल से डराने की जरूरत क्यों? सिर्फ वोटों के लिए 2 राज्यों के बीच इस तरह की दुश्मनी पैदा करना, मानो केरल में कुछ और तरह के लोग बसते हैं। हम सब जानते हैं कि केरल में वामपंथी पार्टी की सरकार है जो लगातार अपने जनकल्याणकारी योजनाओं की वजह से तमाम इंडेक्स में भारत के तमाम राज्यों को पिछाड़ती रही है। क्या यह जन उन्मुखी विकास गृह मंत्री जी को बहुत परेशान कर रहा है? अब देखिए, यही गृह मंत्री पहुंचते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में 16 तारीख को वोटिंग है, इसी 16 फरवरी को, और वहां वह झुनझुना बजाते हैं, वह रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि अभी 2022 में प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे कि विपक्ष रेवड़ी बांटने की राजनीति करता है। देखिए सुनिए गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं त्रिपुरा वालों को। त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनाइए तो मैं कह कर जाता हूं, विशेषकर माताएं सुने, भाजपा की सरकार बनी तो कॉलेज जाने वाली हर बच्ची को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्ची स्कूटी लेकर कॉलेज तो जाएगी ही जाएगी, शाम को आपको पीछे बिठाकर बाजार में सब्जी तरकारी खरीदने के लिए भी ले जाएगी। ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कह रहे हैं कि अगर आपने हमको चुना तो हर लड़की को हम स्कूटी देंगे। और तो और वह यह भी बता देते हैं कि इस स्कूटी से लड़कियां क्या करेंगी, दिन में कॉलेज जाएंगी और शाम को सब्जी खरीदने के लिए महिलाओं की घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी मदद करेंगी। मोदी जी, इलेक्शन कमीशन जी, क्या यह चुनावी रेवड़ी नहीं है? जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह से हमें दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री जी के पक्ष में पूरी की पूरी मीडिया में बैटिंग चल रही है, वह एक सड़क का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद बताया जाता है मीडिया में कि किस तरह से वह 10 रैली कर रहे हैं, इतने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, उससे एक बात कम से कम साफ हो जाती है कि भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में जो माहौल बना उसकी काट देने की कोशिश है और साथ ही साथ संसद के भीतर और बाहर प्रधानमंत्री जी के प्रिय उद्योगपति
अडानी जी पर जिस तरह के मामले सामने आए हैं, जिस तरह से सीधे सीधे नारे लगे हैं, मोदी जी और अडानी जी भाई भाई हैं, वो जो छवि पे दाग लगा है, उस दाग धुलाई का काम बहुत जोर शोर से शुरू हो चुका है। और इसी दरमियान जब चुनाव की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, हमें नजर आता है कि किस तरह से राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और इसमें खास उल्लेख मैं आपके साथ करना चाहूंगी आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल बनाए गए हैं, ये शख्स सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और इनकी जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इनका जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे मिस्टर नजीर, तब इन्होंने क्या क्या नजीरें पेश की वह भी दिखाई दे रहा है। यह विवादित 3 तलाक वाले मामले के जज थे, यह अयोध्या बाबरी मस्जिद के मामले के जज थे, यह नोटबंदी के मामले के भी जज थे, और यह निष्ठा को लेकर जो केस चला था उसमें भी जज थे। और इसके बाद आप देखिए कि बतौर जज हर मामले में इन्होंने मोदी सरकार जी के पक्ष में अपना मत दिया, और आज हम और आप बहुत मजबूती से इस बात को कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि उसी का फलस्वरूप, उसी के इनाम के तौर पर इनको राज्यपाल बनाया गया। 1 महीने पहले रिटायर होते हैं और तुरंत तुरंत इनको राज्यपाल बना दिया जाता है। हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के जो ये खंभे हैं, और खास तौर से न्यायपालिका में, और खास तौर से अयोध्या जजमेंट बहुत खास है, क्योंकि इससे एक जो जज थे वह राज्यसभा में पहुंचे हैं, दूसरे जज यहां हैं, बाकी एक चीफ जस्टिस बने हुए हैं, और इन सब के बीच जो तारतम्य है, जो मोदी सरकार के पक्ष में कदम मिला के न्यायपालिका चल रही है, उस पर बहुत गहरे सवाल उठ रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे खूंखार चेहरा बनकर उभरा है, वह है बुलडोजर, बुलडोजर का राज। और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में मेहरोली में बुलडोजर चलता है। यह बुलडोजर उन तमाम गरीब घरों को, और खास तौर से चुन चुनकर मुस्लिम घरों को निशाने पे लेता है, घर गिरा दिया जाता है, महिलाएं अपने घर को बचाने के लिए चीखती रह जाती हैं, महिलाएं पूछती रह जाती हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों के एग्जाम हैं, बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बच्चे कैसे एग्जाम देंगे। इसमें तमाम वे घर हैं जहां पर लोग EMI तक दे रहे हैं, बैंकों ने लोन दे रखा है, लेकिन बुलडोजर चलता है। और इसमें ये खबर बहुत खास है, ध्यान से देखिए इस खबर को। इसमें जो गैर मुस्लिम सेक्शन है समाज का, गैर मुस्लिम समाज, वह सीधे सीधे सवाल उठता है कि हम तो आप ही को वोट देते रहे मोदी जी, हम तो भाजपा समर्थक हैं, और हम मुसलमान नहीं हैं, हम बंगाल से नहीं आए हैं, फिर हमारे घर क्यों गिराए गए। यानी आपका बुलडोजर किस तरह से सांप्रदायिक एजेंडा चलाता है, यह नीचे तक आपके अपने वोटर सवाल उठा रहे हैं कि जब हम मुसलमान नहीं तो हमारे ऊपर बुलडोजर क्यों। इसी के साथ देखिए यह बुलडोजर जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में चल रहा है जहां पर बहुत गरीब लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन चला रहे हैं, वो दुकानें चला रहे हैं, और उनके पास कागज हैं यह बताने के लिए कि कोई 30 साल से वहां है, कोई 40 साल से वहां है, किसी ने 2 पीढ़ियां वहां गुजारी हैं, और PDP को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। यहां पर देखिए महबूबा मुफ्ती अपने दल बल समर्थकों के साथ पहुंची हैं और कह रही हैं कि दरअसल यह बुलडोजर जमीन से हटाने के लिए नहीं, लोगों के जीवन को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर की धरती पर उतारा गया है। और इसमें जिस तरह से जम्मू के दुकानदार और जम्मू में रहने वाले लोग साथ आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को दूसरे ढंग से खौफ के साए में डालने की कोशिश वहां का प्रशासन, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रूल चल रहा है वह कर रहा है। यह बहुत गंभीर सवाल है,
क्योंकि इसने पूरे के पूरे इलाके में एक बात स्थापित की है कि यहां जो निजाम चल रहा है वह उनके पक्ष में नहीं, उनके घरों को, उनकी जिंदगियों को तबाह करने के लिए उतारा गया है बुलडोजर। दोस्तों, एक तरफ बुलडोजर जिंदगियों को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ हमारे देश का भविष्य, हमारे छात्र, हमारे नौजवान जब अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए नौकरी की मांग करते हैं, सरकारों से यह मांग करते हैं कि वे बेरोजगार रहकर जीना नहीं चाहते, उन्हें सम्मान की जिंदगी चाहिए, तब देखिए उत्तराखंड में क्या होता है। सरेआम छात्र छात्राओं पर बर्बर लाठीचार्ज होता है, खून बहता है, और इसके बाद भी जब छात्र मांग करते हैं कि सरकार सुने या जो पेपर लीक है या किस तरह का बड़ा भ्रष्टाचार है, तब जामी जी चुप रहते हैं। और ठीक उसी समय उनके बचाव में उनका आईटी सेल तो उतरता ही उतरता है, हमारा देश का मीडिया जो कॉरपोरेट मीडिया है वह किस तरह से बेशर्म बैटिंग करता है, इसका नजारा यह देखिए। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। सबसे ज़्यादा युवा इन्हीं नौकरियों को पाना चाहते हैं, लेकिन इन सरकारी नौकरियों में तनख्वाह बड़ी अच्छी होती है। सोचिए, आपके पास कोई हुनर नहीं है, कोई स्किल नहीं है, लेकिन तनख्वाह शानदार है, भत्ता भी अलग से मिलता है और ऊपर की कमाई अलग से होती है। और हमारे देश में एक बात अक्सर कही जाती है, वो ये कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने की रिश्वत मिलती है। ये बात हम सबके लिए तो नहीं कह सकते, सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। हमें लगता है ये मुद्दा आप सब से जुड़ा हुआ है और भारत के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। ये हैं आज तक के एंकर जो अपना ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं, तिहाड़ी के रूप में बहुत मशहूर हैं, और यह हर मामले में भारतीय जनता पार्टी हो, मोदी सरकार हो, धामी सरकार हो, यानी सत्ता का कोई भी रूप हो, बचाने के लिए जिस तरह की बेशर्म बैटिंग करते हैं वह अपने आप में बेमिसाल है। और मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र में देश का मीडिया किस तरह से रसातल में जा रहा है, अगर इसका अध्ययन करना हो तो इन महोदय के शो देख लेने चाहिए। और खास तौर से यह प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम में यह बता रहे हैं कि वे नौजवान सरकारी नौकरियों में जाते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो मुफ्त की रोटी खाना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी करने वाले लोग कामचोर होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, और इसीलिए भ्रष्ट होने के लिए, कामचोर होने के लिए, ऊपरी कमाई हासिल करने के लिए नौजवान सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। और यह शख्स उस समय यह प्रोग्राम कर रहे हैं जब उत्तराखंड का नौजवान सड़कों पर लाठी खा रहा है, यानी यह बता रहे हैं कि जो लाठी खा रहे हैं दरअसल यह सब भ्रष्टाचार की नदी में माल कमाई करना चाहते हैं। ये खुद भूल जा रहे हैं, पता नहीं कितने छात्रों को पता है कि नहीं, कि कैमरे पर यह जनाब रिश्वत लेते पकड़े गए थे। तो मीडिया की भक्ति तो चल ही रही है, इसी बीच दो और अहम डेवलपमेंट हैं जो और बता रहे हैं कि लोकतंत्र में हमें और आपको कितना चिंतित होने की जरूरत है। यह शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है राम भक्त गोपाल, और आप देखिए यह शख्स वही है जिसने देश की राजधानी दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर गोली चलाई थी, पुलिस की मौजूदगी में पकड़ा गया, अनगिनत मामले हैं, जमानत पर यह शख्स बाहर है, और देखिए इस समय यह क्या कर रहा है। ऐसा लगता है इस वीडियो को देखकर कि यह अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रहा है, और इसके साथ जिस तरह से लड़के हैं जो AK-47 जैसे हथियार लेकर चल रहे हैं, यह बताता है कि जब कोई सरेआम हत्या करने पर उतारू होता है, जिसके खिलाफ मामला होता है, जो जमानत पर बाहर होता है, अगर सरकारें चाहती हैं उनको संरक्षण देती हैं, तो ये इस तरह से खुलेआम प्राइवेट आर्मी में अपने लोगों को भर्ती करते हैं। सिर्फ भर्ती ही नहीं करते, इसके बारे में वीडियो भी जारी करते हैं और हमारे और आपके मुंह पर तमाचा मारते हैं, यह बताने के लिए
कि इस देश में संविधान सिर्फ कागजों और किताबों में रह गया है, जमीन पर यही उपद्रवी लोग, हत्यारे लोग, बंदूक से लैस लोग शासन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अंत में देखिए यह वीडियो, यह उस शख्स की शक्ल है जिसके ऊपर हत्या और बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है। किस तरह से यह शख्स अपना ही वीडियो बनाकर हम तक, आप तक और अपने भक्तगणों तक पहुंचा रहा है, यह बताने के लिए काफी है कि जो समाज हम बना रहे हैं, जो समाज नफरत पर बन रहा है, उसमें ये तमाम लोग जो बड़े बड़े अपराधी हैं, वे सब बरी हैं, पैरोल पर रिहा हैं, और शायद यही लोग आने वाले दिनों में हमें और आपको घरों में कैद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे मसले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे चुनाव के समय नफरत फैलाना हो, एक राज्य को एक दूसरे राज्य से भिड़ाना हो, या फिर एक धर्म को दूसरे धर्म से भिड़ाना हो, बुलडोजर चलाना हो, बेरोजगारी पर लाठी चलानी हो, या फिर इन हत्यारों और बलात्कारियों को आजाद छोड़ना हो, यह सारे सवाल आपके और हमारे सवाल हैं, हमारे प्यारे देश के सवाल हैं, लोकतंत्र के सवाल हैं, जिन्हें उठाना, जिन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। आपसे अपील है, देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। न्यूज़ क्लिक, खोज खबर। शुक्रिया।